हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। बिहार के 90,000 आशा कर्मियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कौशलेंद्र वर्मा जो है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से मिले हैं, और मिलने के बाद जो है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कह दिया है कि आशा कर्मियों को मानदेय ही मिलेगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट कह रहा है, कौशलेंद्र वर्मा कह रहे हैं। तो आप लोग खबर में बने रहे, हम सारी कुछ जानकारी आज आपको हम देंगे, क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट आ चुकी है। लेकिन हम उससे पहले एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जब बिहार में NDA की सरकार थी, उस वक्त भी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने कहा था कि हम आशा कर्मियों को प्रोत्साहन राशि ना दे करके मानदेय ही देंगे, जिससे उनका गुजर बसेरा जो है अच्छे तरीके से चल सके। तो इसको लेकर के जो है उस समय हड़ताल तोड़ दी गई थी। लेकिन इसके बाद NDA की सरकार थी, सरकार छलावा कर गई, आशा कर्मियों के हित में जो भी ऐलान किए उससे वो पलटी मार गए। लेकिन हम आपको बता दें कि बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव मुंगेर में क्या कहते हैं सभा कर रहे थे, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आशा कर्मियों को हम मानदेय भी मानदेय देंगे और मानदेय को हम दोगुना करेंगे, जिससे आशा कर्मियों के एक संगठन को बहुत अच्छी से फ़ायदा हो सके, क्योंकि सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग है आशा कर्मी। क्योंकि बिहार में ही नहीं, हर जगह की बात जो है आशाकर्मी के ही बदौलत जो है स्वास्थ्य विभाग जो है अच्छे तरीके से अपना काम अपने स्तर पर कर रही है। तो उसी को देखते हुए उन्होंने कहा। लेकिन अभी की हम बात बता दें तो जब क्या कहते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हम आशा कर्मियों को मानदेय ही देंगे, तो इसके बाद जो है सभी मामला जो है संभल चुका है और लगातार प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि सरकार जो है जब लागू कर दी है कि हम प्रोत्साहन राशि ना दे करके मानदेय देंगे और जो भी आशा कर्मी की बकाया राशि है उसको सरकार जल्द से जल्द निकलवा दे, इसी को लेकर के अभी हो रही है। क्योंकि सरकार तो कह चुकी है कि हम सभी आशा कर्मियों को हम मानदेय देंगे, ऐसा हम नहीं, ऐसा रिपोर्ट कह रही है। लेकिन सरकार देरी इसीलिए कर रही है क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, सरकार का मंशा ये है कि आचार संहिता से कुछ दिन पहले इस चीज़ को लागू करे ताकि महिला शक्ति और महिला के मतलब आप लोगों को लगे कि सरकार हमारे लिए कुछ की है। सरकार अभी कर देगी, उस समय जाकर के मामला ठंडा पड़ जाएगा, इसलिए सरकार चाहती है कि अंत समय में करे ताकि जो खबर है जो ताज़ा रहे, जिससे सरकार जो है फिर सत्ता में आ सके। तो सरकार का चाल कुछ इस प्रकार से है, लेकिन आप लोगों को लग रहा है क्या कहते हैं सरकार जो है फिर से छलावा कर रही है। नहीं, सरकार छलावा इस बार नहीं कर सकती है क्योंकि सरकार के पास ऑप्शन नहीं है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि सरकार के पास अगर ऑप्शन रहता तो फिर सरकार इससे छलावा कर जाती, लेकिन सरकार छलावा नहीं करेगी। सरकार बोली है कि वो भी जो पेंडिंग रुपया है आप लोगों का 18,000 के लमसम में, वो भी आप लोगों का निकल जाएगा, क्योंकि सरकार दो महीना से सरकार के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई पत्र इसलिए को लेकर के जारी नहीं हुआ है। तो इससे आप लोग भयभीत हो चुके हैं। आप लोग आज गांठ बांध लीजिए, आप लोगों को मानदेय मिलेगी और आप लोगों का जो भी बकाया राशि है वो भी सरकार आप लोगों को देगी। तो आप लोग जो है भयभीत नहीं हो, डरे नहीं।